टाइप ऑफ वायरिंग में खुश आमदीद। जैसा कि आपको लोगों को पता है कि हमने एमरजेंसी पैनल और एमरजेंसी ड्राइंग के बारे में इस वक्त टॉपिक शुरू किया हुआ है, तो आज मैं उसके मेन के बारे में कुछ आपको बताने जा रहा हूं कि हम इसमें किस तरह से मेन डालते हैं, अगर मेन ना डाला जाए तो क्या फॉल्ट आ सकता है, और मेन डालने के बाद क्या चीज़ सेट हो सकती है, हमें किस तरह से पता लग सकेगा कि इसमें मेन नहीं है, इसमें कोई फ्यूज़ उड़ा हुआ है, उसके बारे में हम बता सकते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट सबसे पहले आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमारे पास येलो लाइट चल रही है। इसका मतलब है कि ये चीज़ें जो जिनमें येलो लाइट लगी है वो बिल्कुल ठीक है, और जिसमें एक रेड लाइट चल रही है वो ख़राब है, और जिसमें कोई भी नहीं चला उसमें देखिए कि मैंने फ्यूज़ निकाल कर रखे हुए हैं, लाइट ब्लिंकिंग कर रही है। तो देखिएगा, अभी मैं ये हमारे पास एक मेन है जो कि हमने अभी तक नहीं डाली, और इसको मैंने छील के रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से हम इसको मेन यहाँ से एंटर करेंगे, और इस ट्रेसिंग करते करते केबल टाई लगाते लगाते हमने यहाँ पर सर्किट नंबर 4, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एम्प्टी प्लेट है, तो यहाँ पर हमने इस एरिया में हमने इस मेन को डाल देना है, जिसकी वजह से हमारा ये मेन डल जाएगा यहाँ पे। अगर ये सर्किट बिल्कुल ठीक होता है, इसके अंदर लाइटें ठीक होती हैं, तो यहाँ पर इस किस्म की येलो लाइट नीचे की तरफ लग जाएगी, लेकिन अगर इसके अंदर एक भी ट्रबल आ जाती, एक भी फॉल्ट आ जाता है, तो रेड लाइट चल जाएगी। रेड लाइट आने की वजह से हमें उस जगह पर पहुँचना पड़ेगा जहाँ पर फॉल्ट है, उसकी प्रॉपर टेस्टिंग करने पड़ेगी, और उसके बाद वापस आकर इसको हमने क्लियर करना होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको सर्किट के बारे में बताते चलूँ कि ये सर्किट 1, सर्किट 2, सर्किट 3, 4, 5, 6 है, और इसी तरह यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, यानी कि 6 यहाँ पर है, 4 मिसिंग है, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 मिसिंग किया हुआ है। इस 2 सर्किट में थोड़ा सा फॉल्ट आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको अभी तक एंटर नहीं किया, बाकी सब चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ओके हैं। तो अभी मैंने आपको ये इस वक्त में वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको ये मेन बाहर भी नज़र आ जाए, उसके अलावा उसके फॉल्ट का भी नज़र आ जाए, किस तरह से हम इस फॉल्ट को देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सर्किट 1, उससे बिल्कुल नीचे सर्किट 1 की न्यूट्रल, और बैक साइड पे अर्थिंग है, यानी कि ये एक वायर आ रही है, पीछे ऐसी वायर है इसकी लगी हुई, उससे वहाँ से हमने छीला है ताकि यहाँ पे खूबसूरत हो सके। अगर हमारे पास ये खोल ऊपर चढ़ा हुआ होता तो यहाँ पे सही से फिटिंग नहीं आनी थी, जो दिखने में बुरी लगनी थी। यहाँ पे तो आपको जस्ट 6 सर्किट नज़र आते हैं, ये 20 सर्किट तक जा सकते हैं, यहाँ पे 20 यहाँ पे टोटल इन्होंने 10 लगाए, इस तरह एक और लग जाए तो 20 की कैपेसिटी है इस पैनल की, तो हम 20 सर्किट इसमें डाल सकते हैं। तो उस अगर 20 तारें होती तो, या इसी तार अगर होल वाली होती तो यहाँ पे तो इंतहाई बुरा लगना था, इसलिए हमने इसका सारा होल उतार दिया, और अब हमने यहाँ पर इसको ये मेन डाल दी है, उसके ऊपर हमने ये नंबरिंग फेरुल लगाए हैं, ये अगर नहीं लगाएंगे तो हमारी रेड आपस में मिल जाएंगी। तो ये नंबरिंग फेरुल देखिए, ये आपको नज़र आ रहा है कि ये मैंने इस पर 5 नंबर लगाया हुआ है, ये देखिए आप इसको, ये मैंने 1 नंबर लगाया हुआ है, सॉरी यहाँ पे गलती से ये 1 लग गया है, तो 1 नंबर इधर ये पीछे लगा हुआ है, ये आगे 2 लगा है, ये 3 लगा है, 4 मैंने अभी डाला है, 5 ये है, तो यहाँ पे मैं 6 नंबर डालूँगा तो ये सर्किट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, वहाँ पे हमारा सर्किट है, उस सर्किट का मेन फ्यूज़ यहाँ पे लगा हुआ है, इसमें देखिए 2 फ्यूज़ हैं जो कि हमें एक फेज़ के लिए और एक न्यूट्रल के लिए डाला गया है। फेज़ का फ्यूज़ मैं एक निकाल के दिखाता हूँ, तो इसके अंदर आपको ये पोर्टर नज़र आ रहा होगा जो इसका इंसुलेशन है, जो इसको कैपेसिटी देता है और ज़्यादा इसको फटने से भी रोकता है, इसके अंदर चिंगारी पैदा होगी और चिंगारी से ये अंदर गैस पैदा होगी, गैस पैदा होने से ये फट जाएगा, लेकिन ये जो अंदर पाउडर लगा हुआ है ये
उस गैस को अपने अंदर जज़ब कर लेता है और इसमें प्रेशर नहीं पैदा होने देता, जिसकी वजह से ये फ्यूज़ फटता नहीं। अगर ये फट जाए तो इसी होल के अंदर ये रह जाएगा, तो हमें उसके लिए इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन इसके अंदर डाली है कि अब ये इसमें फट नहीं सकता। और अगर उसके अंदर ये फट जाए तो अंदर काफ़ी डैमेज करेगा, ये स्लॉट पूरी जो है इस ये हमें चेंज करनी पड़ जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी इसके मेन सर्कल के बारे में, इसके फॉल्ट्स के बारे में, किस तरह से इसका फॉल्ट चेक किया जाता है। तो इसी तरह इसके साथ वाले आपको डिवाइसेस नज़र आ रही हैं, इसके बारे में आपको इंशाल्लाह अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि एक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबे लंबे सुनने से आप लोग भी उकता जाएंगे। तो हम और बाकी अगर एक साथ मैंने बोल दिया तो आप लोगों को समझना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप एक एक टॉपिक करके सीखते रहिए। अभी आज मैंने इसके बारे में बताया है, कल मैं इसके बारे में, अगली वीडियो में आपको इसके बारे में बता दूंगा। ये सब का सिस्टम अलग अलग है। उसके बाद डेटा मेन और BMS, यानी कि बहुत सी चीज़ें इसमें लगती हैं, बहुत सी तारें लगती हैं। उसके बाद आपको इसके मेन बैटरी टर्मिनल के बारे में बताना पड़ेगा, जिसमें से 220 वोल्ट DC होते हैं, जो कि आपके लिए बहुत हैरान कन चीज़ है। उसके बाद इसकी स्क्रीन है, वो भी आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में इसी तरह सीखते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अभी आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।